कंपाउंड मोटर के अंदर दो फील्ड वाइंडिंग होती है, एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है, जिसे संयुक्त यौगिक मोटर भी बोलते हैं। अभी संयुक्त यौगिक मोटर का कंटिन्यूटी चेक करनी है, बॉडी अर्थिंग चेक करनी है और रोधन परीक्षण चेक करना है। तो इसके लिए हमें एक सीरीज टेस्ट लैंप लिया, ये आपका क्या है सीरीज टेस्ट लैंप है, यहाँ से सप्लाई वो आपको चेक करना है, यानी कंटिन्यूटी आ रही है यहाँ तक। अब जैसे कि कौन सा आर्मेचर वाइंडिंग है, कौन सा फील्ड वाइंडिंग है, कौन सा सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, सबसे पहले यहाँ चेक किया लैंप प्रकाशित हो रहा है, यानी ये आर्मेचर या सीरीज फील्ड हो सकती है। तो एक यहाँ लेंगे और एक कम्यूटेटर के साथ लगाएंगे, यानी ये हमें कन्फर्म पता चल गया ये आर्मेचर वाइंडिंग है। और उसके बाद में यहाँ लेते हैं, यहाँ केवल स्पार्किंग हो रही है, देखो ये क्या हो रही है स्पार्किंग, ये शंट फील्ड वाइंडिंग है, पतले तार अधिक लपेटों की बनाई गई है। और इसके अंदर चेक कर रहे हैं तो ये लैंप पूर्ण प्रकाश, ये सीरीज फील्ड, तो हमें पता चल गया है ये जो रेड कलर वाले वायर है ये आर्मेचर वाइंडिंग, जो यहाँ पे ब्लैक कलर वाले तार हैं ये आपके शंट फील्ड वाइंडिंग, और ये हो गए आपके सीरीज फील्ड, यानी कंपाउंड मोटर के छह तार है, कंटिन्यूटी हो गई। अब उसके बाद में आपको सेकंड नंबर चेक करना है बॉडी अर्थिंग, एक तो इसके बॉडी के साथ जहाँ इंसुलेशन नहीं हो वहाँ, और बाकी सारों के साथ चेक करना है। यदि लैंप प्रकाशित हो रहा है तो इसका मतलब है बॉडी अर्थिंग है, लैंप प्रकाशित नहीं हो रहा है इसका मतलब है कोई बॉडी अर्थिंग नहीं है, इसकी बॉडी अर्थिंग सही है। अब उसके बाद में रोधन परीक्षण की बात करें तो आर्मेचर सीरीज फील्ड के बीच में रोधन पर लैंप प्रकाशित नहीं होना चाहिए, यानी इसके अंदर अच्छा रोधन प्रतिरोध है, इसके बाद इसके अंदर, फिर इसके बाद, यानी इसके अंदर कोई प्रकार का रोधन परीक्षण हमने चेक लिया, यानी कोई नहीं है। ठीक है, तो अब इस मोटर को